राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने अशोभनीय टिप्पणी के बाद कहा कि मेरी जवान फिसल गई थी। इस मामले को भाजपा बेवजह तूल दे रही है और जबरन विवाद खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी मामला ढूंढ रही है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मैंने कल ही मीडिया कर्मियों से कहा था कि मैंने गलती से शब्द कह दिया है। अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी से भी जवाब मांगा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधीर रंजन चौधरी के बयान पर कहा कि उन्होंने ग्रामेटिकली गलती की है, इंटेंशनली नहीं। अगर उनकी भाषा में कोई गलती होती तो इतने बड़े स्तर पर हंगामा करना गलत है। ये देखना चाहिए कि उन्होंने खुद कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी। उन्होंने बीजेपी पर कहा कि आप महंगाई, अग्निपथ जैसे मुद्दों पर पहल करें। वहीं लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन की राष्ट्रपति को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर खूब हंगामा हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात कही। स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के गरीब लोगों और आदिवासियों से अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। संसद में हुए हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन चौधरी के बहाने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुआ तब से ही द्रौपदी कांग्रेस पार्टी की घृणा और उपहास की शिकार बनी। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कठपुतली कहा, अशुभ और अमंगल का प्रतीक कहा। स्मृति ईरानी ने कहा कि सोनिया गांधी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया, ये जानते हुए कि संबोधन सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को अटैक करता है। ये पूरा देश और दुनिया जानती है कि कांग्रेस महिला, आदिवासी और गरीब विरोधी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।